हरदोई की नगर पालिका परिषद संडीला का 156वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस नगर के विकास में योगदान देने वाले लोगों को नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद रईस अंसारी व अधिशासी अधिकारी विजेता गुप्ता द्वारा सम्मानित किया गया। संडीला नगर पालिका परिषद की स्थापना ब्रिटिश शासन काल में 14 जुलाई 1868 को हुई थी। राजनीति के संत पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जन्म जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैलाश जोशी लगातार 8 बार विधायक बने। ईमानदारी के नायक कहे जाने वाले स्वर्गीय कैलाश जोशी की याद में उनके स्मारक पर गार्डन व लाइब्रेरी बनाई जा रही है। पुष्पांजलि कार्यक्रम में आसपास के कई लोग व पत्रकार शामिल हुए। उत्तराखंड की मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेसियों ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित होकर जश्न मनाते हुए मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उपचुनाव के परिणामों को भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों का परिणाम बताया। कांग्रेसियों ने कहा, धर्मनगरी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भाजपा की हार ने यह साबित कर दिया है कि अब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीट पर जीत हासिल की है। कांग्रेस की जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बड़ा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अब इस जीत से उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने दोनों सीटों पर जीत के लिए जनता का आभार जताया। मानसून की दस्तक के बाद से ही मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। शनिवार को जबलपुर, नौगांव, खरगोन में आधा इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि भोपाल, धार, खजुराहो समेत दूसरे जिलों में तेज बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में इंदौर, छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूरे प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने के आसार है। राजधानी भोपाल में एक मनचले को लड़की को छेड़ना भारी पड़ गया है। लड़की ने युवक पर पकड़कर पहले तो उसे जमकर खरी खोटी सुनाई, उसके बाद उसको पीटना शुरू कर दिया। यह देख लोगों ने भी अपने हाथ साफ किए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक छेड़खानी का मामला भोपाल की प्रोफेसर कॉलोनी का है। उत्तराखंड की संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद की ओर से प्रदेश में हरेला पर्व मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 16 जुलाई को धूमधाम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ ही हरेला का पर्व मनाया जाएगा। उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि हर साल हरेला पर्व पूरे प्रदेश में पौधारोपण कर आयोजन मनाया जाता है। मनोरी में अमरपुर विकास खंड में मनोरी गांव में डायरिया प्रकोप जारी है। गांव में डायरिया से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अमरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बरसात में गंदे पानी पीने के कारण यह बीमारी फैली है। मंदसौर के गरोड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गरोड़ के पीपलखेड़ा गांव में आज सुबह एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई, जिससे 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने किसी तरह महिला को बचा लिया है। बताया जा रहा है कि पति से झगड़ के बाद महिला ने यह कदम उठाया है। कुएं से बच्चों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झाबुआ के ग्रामीण बैंक शाखा में नकली सोना गिरवी रखकर करोड़ों का लोन निकालने का मामला सामने आया है। पूरा मामला थानला थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि बैंक के मूल्यांकनकर्ता अरविंद नायक ने 73 खाताधारकों के नाम से नकली ज्वेलरी गिरवी रखकर बैंक को 2,32,00,000 की शपत लगाई है, जिसकी शिकायत के बाद ब्रांच मैनेजर ने थानला पुलिस को शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने खटीमा के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने 10 करोड़ की आपदा प्रभावित लोगों के लिए राशि उपलब्ध कराई है, इसलिए धन की कोई कमी नहीं आएगी और आपदा में जो मानक होते हैं उनके अनुरूप सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। धमतरी में चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां कोष्टापारा निवासी मानसिक रूप से कमजोर युवक रोशन पटेल पर जब घर जा रहा था, तभी एक नाबालिग ने उसे चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मसूरी में सद्भावना संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षिका विजयलक्ष्मी कोहली को लिखे पुस्तक मेरी कविताएं सुनोना का विमोचन किया गया है। लेखिका ने बताया है कि उनकी पुस्तक वास्तविकता पर आधारित है। वहीं संस्था के अध्यक्ष ने बताया है कि सद्भावना संस्था लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर काम करती है। इस पर्व हरेला की धूमधाम से मनाया जाए।
इन दिनों यूपी के बांदा जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय लुकतरा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में गैस सिलेंडर देखने को मिल रहे हैं, जो शिक्षा के मंदिर को दागदार कर रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग ने जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की बात जरूर कही है। कहते हैं प्यार ना कुछ दिखता है और ना ही कुछ सुनता है। एक ऐसा ही मामला बदायूं जनपद से सामने आया है, जहां पर दाता गांव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गरदौली का है, जहां के रहने वाले पूरन सिंह ने बरेली जनपद के फतेहगंज पश्चिमी की रहने वाली महरूल निशा को इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया और दोनों ने अपने परिवार वालों को बिना बताए मंदिर में शादी कर ली। मलकापुर में अग्रवाल महिला मंडल की ओर से फिजियोथेरेपी शिविर का समापन हुआ है। सुप्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुरभि धानवाला एवं उनके पति डॉक्टर सचिन धानवाला ने मलकापुर निवासियों के शिविर में निःशुल्क सेवाएं प्रदान की हैं। डॉक्टर धानवाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, फिल्मी सितारों सहित कई क्षेत्रों को सुविधाएं दे चुके हैं। पैसे के विवाद में लकड़ी कारोबारी के अपहरण की घटना सामने आई है। लकड़ी कारोबारी का अपहरण 3 लोगों ने किया था। आरोपी जबरदस्ती व्यापारी को गाड़ी से झांसी ले गए। व्यापारी की पत्नी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने सूचना पर झांसी से बरामद कर लिया है। आरोपी तरजीत को पुलिस ने पकड़ लिया है। यूपी के कन्नौज में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। छिबरा मऊ में दुबे दंपत्ति ने ठाठिया थाना में समाधान दिवस के दौरान राजस्व निरीक्षक पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। रुपए लेने के बाद भी काम नहीं होने पर दंपति ने खुदकुशी करने की धमकी थाने में दी थी। इस पर पुलिस ने पीड़ित दंपति पर ही वेनर 226 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। अनादि टीवी खबर चलने के बाद राजस्व निरीक्षक पर कार्रवाई की गई। संभल जिले में खाद्य विभाग की लापरवाही से एक्सपायरी डेट के मसाले बेधड़क बिक रहे हैं, लेकिन खाद्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता दिख रहा है, लिहाजा इसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ा है। आपको बता दें कि एक शादी समारोह में खाना खाने के दौरान 4 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों को फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के कासगंज में अफसर तानाशाही तरीके से शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी लगवा रहे हैं, जिससे नाराज होकर 150 अनुकूल शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह स्कूल में आकर तानाशाह तरीके से डिजिटल हाजिरी लगवा रहे हैं, जो कि गलत है। उन अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा रवैया रहा तो वह अधिकारियों का घेराव करेंगे। रायपुर में कोयला कारोबारी पर गोली चलने के मामले में आपसी आस्था शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। गोलीकांड को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीला अनंत शुक्ला ने कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। वहीं कांग्रेस के सवाल पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में सख्त कार्रवाई होगी। सरगुजा में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है और शव को दफना दिया है। पुलिस ने शव को गड्ढे से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी पति को भी हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला सीतापुर थाना इलाके के ग्राम डोडा गांव तिहार जोरी का है। करीब 1 महीने पहले पति ने पत्नी को मौके घाट उतार दिया था। अम्बाला के हर्बल पार्क में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है और 23 विभागों में प्रदर्शनियां लगाई गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं सीएम ने सभी प्रदर्शनियों का निरीक्षण भी किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में के लिए मुंगेरी दौरे पर रहे। दौरे से पहले समारोह को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चुनाव में भाजपा को आशीर्वाद दिया है, मतदाताओं का सम्मान होना चाहिए, इसलिए सभी विधानसभाओं में मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। पीएम मोदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक परिवार के बाद लगातार 3री बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य आसक्ति की ओर बढ़ रहा है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदय राज सिंह बाढ़ प्रभावित सीमान खटीमा क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नुकसान का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। खबर उन्नाव से है, जहां अजगैन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवा गांव के है बाहर कटहल के पेड़ पर
चलकर फर तोड़ रहा था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह पेड़ से नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उसे तब तक मृत घोषित कर दिया। उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे स्थित तरदुई गांव के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर मारने से कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के समय कार चला रहे लीगल एडवाइजर की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच शुरू कर दी है। मंडला जिले के मोतीनाला थाना अंतर्गत क्षेत्र में बारिश के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे रायपुर NH30 नेशनल हाईवे रोड में लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भारी वाहनों के आने जाने में बड़ा खतरा हो सकता था। खतरे को देखते हुए मौके पर पहुंचे SDOP आशिफ इकबाल ने भारी वाहनों का क्षतिग्रस्त पुलिया से आने जाने पर रोक लगा दी। कटनी में माधवनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई ज्वेलरी बरामद की है, जिसकी कीमत 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरी घटना माधवनगर थाना इलाके के खजूरी गांव की है। 12 मई की देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और पुलिस तभी से इन चोरों की तलाश कर रही थी। पर इंदौर से आया जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन किया है। वहीं गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिए गए समय अवधि में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकांश जन समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही किया। मसूरी माल रोड को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाए जाने को लेकर राज्य सरकार ने 7 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की है, लेकिन माल रोड को व्यवस्थित रखने के लिए जिम्मेदार विभाग के अधिकारी इस पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में माल रोड की खूबसूरती को खराब कर रहे पटरी व्यापारियों को स्थानीय प्रशासन ने हटा दिया था। जहाँ पर छोटे व्यापारियों को हटाया गया है, वहाँ पर अब बाढ़ पार्किंग बन गई है। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जयंत नाथ को लिखे पत्र की प्रति जारी की है, जिसमें उन्होंने भारी PPAC पेंशन अधिभार साथ ही शुल्क लोड अधिभार के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की बात की है। खनिया थाना में बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के समर्थकों ने मायापुर थाने का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए थाना प्रभारी नीतू अहरवार को ज्ञापन सौंपा। इसमें डायल 100 के चालक और होमगार्ड के सिपाही पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल डायल 100 के चालक अजय योगी और होमगार्ड के स्थानीय सुरेंद्र सिंह चौहान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दोनों एक वक्त के मारते हुए विधायक का नाम ले रहे थे। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 7 इलाके में एक युवक को मानवता दिखाना भारी पड़ गया है। CISF का जवान बनकर घर के अंदर युवक ने एंट्री ली और खुद को एक ही जाति का बताकर बहला फुसला कर रात गुजारने का निवेदन किया और रात रुकते ही बेहोशी वाला स्प्रे सूंघा कर लाखों की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ करके फरार हो गया। कानपुर के हरवंश मोहाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की सूझबूझ से पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधी हरिशंकर को 2 तमंचा 1 32 बोर की पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। शातिर अपराधी भिखारी बनकर कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। कानपुर के करनलगंज पुलिस थाना क्षेत्र के बस अड्डा क्षेत्र में चौकी इंचार्ज नितिन पुनिया देर रात अपराधियों की धरपकड़ के लिए गश्त कर रहे थे, तभी करनलगंज बस स्टैंड स्थित चाय की दुकान पर कुछ लोग चाय पीते दिखे। चौकी इंचार्ज ने सुरक्षा की दृष्टि से युवकों से पूछताछ की, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ता और चौकी इंचार्ज के बीच देखते ही देखते विवाद शुरू हो गया, लिहाजा SP ने मध्यस्थता कर मामले को सुलझाया। कासगंज के बहादुर नगर धाम में 14 जुलाई यानी कि आज के दिन सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है, जहां आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्त पहुंचते हैं। आज सुबह से ही 4 से 5 हजार लोग आश्रम में देखे गए। भक्तों का कहना है कि पहले प्रभु के जन्मदिन पर यहां पर हलवा खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता था, लेकिन हाथ फुस की घटना के बाद जो है जनता श्रद्धालु काफी दुखी है, इसलिए सादा प्रसाद वितरण कर प्रभु का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ग्वालियर के किला स्थित स्कूल में छात्र के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। सीनियर छात्र ने
दो साल जूनियर के साथ कुकर्म किया है। घटना की सूचना स्कूल के प्राचार्य ने पुलिस को दी है। इसके बाद पुलिस ने सीनियर छात्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्कूल प्रबंधन ने दोनों छात्रों की निगरानी पर रखा है। घटना 13 जुलाई की बताई जा रही है। वहीं FIR आज दर्ज की गई है। सिवनी के नेशनल हाईवे 44 में छपारा से लेकर बंजारी घाटी तक जानलेवा गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोग जान हथेली पर रखकर चल रहे हैं। इस संबंध में विधायक दिनेश राय मुंडू ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के दौरे पर रहे। सीएम साय इस दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी के दुलदुला में आयोजित मतदाता अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता का अभिवादन किया, उन्हें धन्यवाद दिया, साथ ही कुनकुरी विधानसभा के लिए करोड़ों की सौगात दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र और राज्य की सरकार डबल इंजन की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे काफी हद तक समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को लाभ मिला है। सीएम ने कहा है कि इन योजनाओं का ही असर है कि आज गरीब से गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का आशीर्वाद सेरेमनी में 13 जुलाई को जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई है। इस दौरान फंक्शन में पीएम नरेंद्र मोदी ने शरीक हुए। पीएम ने यहां 2 घंटे तक रुके और डिनर भी किया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और फैंस इसे लेकर एक्साइटेड हैं। एक वीडियो में अनन्या, प्रियंका और निक चिकनी चमेली गाने पर डांस करते नजर आ रहे थे। वीडियो में अनन्या बारात के दौरान निक को धक्का देती नजर आए, क्योंकि उन्हें प्रियंका के साथ डांस करना था। अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड राधिका मर्चेंट से शादी कर ली है। इंटरनेशनल VVIP गेस्ट और करोड़ों के खर्च से हुई यह शादी सुर्खियों में। वहीं अनंत अंबानी के वेडिंग आउटफिट की कीमत 214 करोड़ बताई जा रही है। आप खबर है कि अनंत अंबानी ने शादी के दिन अपने 25 करीबी दोस्तों को 1.67 करोड़ की लग्जरी वॉच गिफ्ट की है। एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। हिना का कैंसर ट्रीटमेंट जारी है। हिना के साथ साथ उनके परिवार के लिए भी ये मुश्किल की घड़ी है। हाल ही में हिना ने कुछ तस्वीरें शेयर कर बताया था कि जब मां को उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो उनका क्या हाल था। उन्होंने कहा है कि उन्हें जो झटका लगा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।